आज की वीडियो में मैं अपना यूजर एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। 10 दिन हो चुके हैं मुझे मोटो G64 5G स्मार्टफोन को यूज करते हुए। यहाँ पे ऑलरेडी काफी सारे लोग वीडियो बना चुके हैं, बट मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, ये एक रिटेल यूनिट है जो मेरे पास है और मैंने इसको खुद पर्सनली यूज किया है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखना। जो भी चीजें होंगी मैं ऑनेस्टली आप लोगों के सामने रखूंगा, क्योंकि ये मोटो की तरफ से स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो चलते आज इसी फोन के बारे में बात करते हैं डिटेल में और देखते हैं कैसा इसका 50 मेगापिक्सल का कैमरा, इसका जो यहाँ पे फर्स्ट मीडियाटेक 7025 का प्रोसेसर है वो भी कैसा काम करता है। सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके जाना और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना। सबसे पहले मैं इस स्मार्टफोन के बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में बात करना चाहूंगा। देखो यार, यहाँ पे पुल्ली प्लास्टिक का ही यूज किया गया है, बीच में देख सकते हो एक्रेलिक ग्लास का यूज किया है, जो कि काफी ज्यादा प्रीमियम लुक देता है इस फोन को। कि मिड में आप लोगों को मोटो का लोगो मिल जाता है, ऊपर की साइड स्पीकर देखने को मिल जाता है और डॉल्बी एटमॉस का यहाँ पे लोगो भी मिलता है। बाकी नीचे की साइड देखोगे तो यहाँ पे टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट, 3.5mm का जैक मिल जाता है और स्पीकर एंड माइक भी देखने को नीचे की साइड ही मिलेगा। लेफ्ट साइड में आप लोगों को फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, बाकी वॉल्यूम अप डाउन का बटन मिलता है। राइट साइड में यहाँ पे सिम स्लॉट दिया गया है। तो ओवरऑल यहाँ पे बिल्ड एंड फिनिशिंग वगैरह मुझे काफी अच्छी लगी है, स्पेशली जो इसकी एक्रेलिक ग्लास है ना वो बहुत ही ज्यादा तबाही लगती है रियल लाइफ में। वीडियो में इतना ज्यादा आप लोगों को पता नहीं लगेगा, बट जब आप लोग इसे रियल में देखोगे, इसकी फिनिशिंग देखोगे, आप भी कहोगे हाँ मोटोरोला ने काफी अच्छा काम किया एक बजट सेगमेंट वाले फोन में। इस फोन में IP52 की वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिलती है, मतलब कि हल्के फुल्के वाटर और डस्ट को ये झेल सकता है, बट बहुत ज्यादा आप लोग कहीं पे बारिश वगैरह हो रही हो वहां लेकर मत चले जाना, फिर दिक्कत आएगी। ऑडियो की बात करूँ तो यहाँ पे डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाता है, एक नीचे की साइड एक ऊपर की साइड। तो जितना मैंने इसको यूज़ किया यार, अभी तक स्पीकर से मुझे कोई शिकायत नहीं है। हाँ, उतना ज़्यादा लाउड नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन क्लियरिटी वगैरह की बात करूँ तो काफ़ी सही है। आगे आप लोगों को एक ब्लॉगिंग का भी मैं दिखाऊंगा शॉर्ट, वहाँ पे कैसी आवाज़ निकल कर आती है। ओवरऑल मेरे हिसाब से गेमिंग वगैरह या फिर कॉन्टेंट कंज्यूम करने के लिए काफ़ी सही फ़ोन है। फैन वैन के अंदर भी आप लोगों को काफ़ी सही आवाज़ आ जाती है। बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जो कि काफ़ी ज़्यादा मेन चीज़ है और काफ़ी ज़्यादा हाइप बनाई है इस चीज़ की मोटोरोला ने। तो मीडियाटेक 7025 का यहाँ पे आप लोगों को प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 2.2 का UFS स्टोरेज देखने को मिलेगा। इसके अलावा LPDDR4X रैम मिल जाती है। ओवरऑल यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल यूज़र्स के अकॉर्डिंग बताऊँ तो काफ़ी सही परफॉर्मेंस निकल कर आती है, मतलब नॉर्मल डे टू डे टास्क वगैरह में आप लोग कोई भी इशू फेस नहीं करोगे। जितने भी ऐप्स हैं वो बहुत ही ईजिली ओपन हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, और जब चाहे जब आप उसको ओपन करो दोबारा वहीं से ही ओपन होंगे। इतना ज़्यादा लैग वाला देखने को नहीं मिला है, बट अगर आप लोग YouTube पे जाते हो तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आपको मिलेगी, जिसके बारे में मैं आगे डिस्प्ले वाले पार्ट में बात करूंगा। ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखूं मैं 15,000 रुपए के हिसाब से तो बढ़िया है, यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा है अपने प्राइस को, बट कहीं कहीं पे लैग भी करता है और वो कॉन्स वाले पॉइंट में जरूर आप लोगों को बताऊंगा। बात की जाए गेमिंग की तो यहाँ पे देखो 40 FPS पे आप लोग हल्की फुल्की गेमिंग कर सकते हो, इससे ज़्यादा ऊपर 60 FPS 120 FPS की मत सोचना, और यहाँ पे स्मूथ अल्ट्रा और एक्सट्रीम पे भी खेल सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हीटिंग की बात करूँ तो जब काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है आपको गेमिंग करते हुए तो वहाँ पे थोड़ा बहुत हीटिंग देखने को मिलता है इस फोन में। मोटो के फोन्स में यार हीटिंग इशू कहीं ना कहीं रह जाती है, और यहाँ पे भी ये चीज़ देखने को मिली है, जब आप ज़्यादा गेमिंग करते हो या फिर ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हो काफ़ी देर तक, तो थोड़ा बहुत फ़ोन हीट होने लग जाता है, बाकी चार्जिंग पे लगाने पे तो हीट होना ही होना है। इसके अलावा यार अगर मैं गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो यार ठीक ठाक फोन है, यहाँ पे बहुत प्रो लेवल की आप लोग गेमिंग नहीं कर सकते हो। नॉर्मल गेमर हो, मजे के लिए खेलते हो, तो डेफिनेटली आप लोग इस फोन से भी गेम खेल सकते हो, BGMI हो चाहे कॉल ऑफ ड्यूटी हो या नॉर्मल छोटे मोटे गेम हो, सारे गेम्स को ये अच्छी तरीके से प्ले कर लेता है। बट अपनी एक्सपेक्टेशंस को हाई मत रखना कि आप लोग ज्यादा FPS पे यहाँ पे गेमिंग कर पाओगे। डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को 6.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट यार यहाँ पे AMOLED जैसी कमी बिल्कुल भी नहीं लगी है कि AMOLED डिस्प्ले होनी चाहिए थी। बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले पे काम किया गया है, और डिस्प्ले की जो कलर एक्यूरेसी है, जो कंट्रास्ट है, जो ब्राइटनेस है, जो शार्पनेस है, सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बैलेंस देखने को मिलेगी। अगर आप लोग कॉन्टेंट कंज्यूम करते हो तो आप लोगों को बिल्कुल भी कोई फेडेड कलर देखने को नहीं मिलता है, मतलब अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं सारे कलर्स को। और अगर आप लोग मूवी लवर हो या फिर YouTube बहुत ज़्यादा देखते हो तो डेफिनेटली ये फ़ोन उसके लिए काफ़ी सही है। डिस्प्ले यहाँ पे AMOLED ना होने के बाद भी AMOLED जैसी ही लगती है। बाकी यहाँ यहाँ पे पीक ब्राइटनेस जो है 550 निट्स की है, तो आप लोगों को लगेगा कि काफ़ी कम है, लेकिन यार यहाँ पे बहुत ही जेन्युइनली इन्होंने लिखा है 550 निट्स, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड 2000-3000 लिख देते हैं बट उतनी ज़्यादा पीक ब्राइटनेस होती नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इस फ़ोन को आउटडोर में भी जाके काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया, ताकि मैं आप लोगों को अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बता पाऊँ और दिखा भी पाऊँ। तो यार मैंने आउटडोर में भी एज सच कोई दिक्कत
बहुत बड़ी फेस नहीं करी है, अच्छी खासी विजिबिलिटी मिल जाती है आउटडोर में भी। मेरे हिसाब से 550 निट्स इनफ है, अगर ये 1000 निट्स भी लिख देते तो लोगों को पता नहीं लगने वाला था। हाँ, जो इसके बेजल से वो थोड़े से परेशान करेंगे आपको, मुझे थोड़े ज्यादा लगे हैं क्योंकि और फोनों से अगर मैं कंपेयर करूँ रियलमी वगैरह के, चिन्ह भी थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा 4K HDR पे आप लोग YouTube पे वीडियोस देख सकते हो, शुरू में ऑप्शन आएगा बट बाद में नहीं आता YouTube पे, पता नहीं ऐसी दिक्कत क्यों आ रही है। बाकी यहाँ क्लियरिटी वगैरह सारी चीज आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। इस फोन का फिंगरप्रिंट स्कैनर भी अभी तक काफी सही काम कर रहा है, मैंने कोई दिक्कत फेस नहीं करी है। बात करते हैं अभी कैमरे की, तो इसको भी मैंने आउटडोर में जाके चेकआउट किया। देखो सबसे पहले मैं इसकी कैमरे के बारे में बता देता हूँ, 50 मेगापिक्सल आप लोगों को मेन कैमरा देखने को मिल जाता है, वाइड एंगल पे 8 मेगापिक्सल का कैमरा यहाँ पे दिया गया है, फ्रंट कैमरे में 16 मेगापिक्सल का यूज किया है। तो अभी मैं पहले आप लोगों को नॉर्मल फोटो दिखा देता हूँ इसके बैक कैमरा से, तो अभी देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके की क्वालिटी निकल कर आती है। बाकी 2x में यहाँ पे काफी सही काम कर रहा है फोन, इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हाई मत रखना। बाकी यहाँ पे बात करूँ पोर्ट्रेट की, तो पोर्ट्रेट इसका बहुत ही ज्यादा ओके कहूंगा मैं, कोई एडिटिंग ऑप्शन भी नहीं मिलता और साथ ही साथ यहाँ पे बूके इफेक्ट भी बहुत तगड़ा देखने को नहीं मिलेगा, एज डिटेक्शन भी यहाँ पे बहुत अच्छा देखने को नहीं मिला है। तो यार जो इसका पोर्ट्रेट मोड है वो पता नहीं क्यों इतना गंदा सा लगा है मुझे, बाकी नॉर्मल फोटोज तो ठीक ठाक यहाँ पे ये क्लिक कर देता है। इसके अलावा सेल्फी की बात करूँ तो यहाँ पे 16 मेगापिक्सल है, सेल्फी से भी मैंने कुछ फोटोज ली, अभी आप देख सकते हो नॉर्मल कैमरे से तो ठीक ठाक है, लेकिन अगर मैं वहीं पोर्ट्रेट का यूज करता हूँ तो वहाँ पे फिर वही एज डिटेक्शन वाला इशू आ जाता है और बूके इफेक्ट भी इतना खास यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाता। बात करते हैं अभी वीडियो क्वालिटी की, तो यहाँ पे 1080 60fps पे आप लोग वीडियो शूट कर सकते हो, बट वही है कि यार ओवर एक्सपोज हो जाता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा और साथ ही साथ कलर एक्यूरेसी भी है वो इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती है। बाकी स्टेबलाइजेशन ओके है, बमाल का स्टेबलाइजेशन नहीं कहूँगा। इसके अलावा 1080 30fps पे आप लोग फ्रंट कैमरे से वीडियो शूट कर सकते हो और यहाँ पे भी वीडियो क्वालिटी अभी आप देख सकते हो, साथ ही साथ ऑडियो क्वालिटी भी आप लोग खुद ही चेकआउट कर लो। ये जो वीडियो शूट हो रही है ये हो रही है मोटो G64 5G फोन से, ये फ्रंट कैमरा है अभी आप लोगों के सामने और आप लोगों को यहाँ पे माइक और स्पीकर का भी एक आइडिया मिल जाएगा। बाकी ठीक ठाक है, यहाँ पे कोई वाइड एंगल नहीं मिलता है आप लोगों को और 1080 30fps पे ही आप लोग यहाँ पे वीडियो शूट कर सकते हो। मुझे ठीक ठाक लग रहा है, इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया टू बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है इसके फ्रंट कैमरे में। यहाँ पे देखा आप लोगों ने, मुझे ऑडियो क्वालिटी ठीक लगी है, माइक की परफॉर्मेंस भी सही है और साथ ही साथ स्पीकर की भी क्वालिटी सही लगी है मुझे, बट वीडियो क्वालिटी अभी देख सकते हो ओके है। अगर नॉर्मल व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाह रहे हो तो ले सकते हो, स्टार्टिंग के लिए काफ़ी सही है, बट अगर आप लोग बहुत तगड़ा अच्छा कॉन्टेंट निकालना चाहते हो, थोड़े सिनेमेटिक एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, तो मैं इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा इस फोन के कैमरे को। बात करते हैं बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पे 6000mAh की बैटरी दी गई है जो कि कमाल का काम किया है मोटोरोला ने, इतने से फ़ोन में इतने कॉम्पैक्ट और इतने ज़्यादा स्लिम होने के बाद भी आप लोगों को यहाँ पे 6000mAh की बैटरी मिल जाती है। 7 से 8 घंटे का यहाँ पे बैटरी बैकअप देखने को मिला है मुझे 5G पे एक्सट्रीम यूज़ करने पे, बाकी नॉर्मल यूजेस पे 1 से 2 दिन आप लोगों को बैटरी बैकअप ये प्रोवाइड कर देगा। आइडल ड्रेन की बात करूँ तो यार 5 से 6% का देखने को मिलता है, मतलब अगर आप लोग रात में सोते हो फोन रख के और सुबह को देखते हो तो 5 से 6% का ही ड्रॉप देखने को मिलता है, तो ये चीज़ काफ़ी सही लगी है। इसके अलावा इसके चार्जर से फुल चार्ज करने में 1 hour 20 minutes का टाइम लगता है। कौन सी बात करते हैं, तो देखो सबसे पहले तो जो कैमरा क्वालिटी है, जो पोर्ट्रेट मोड है ना, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। इस प्राइस में और फोन्स काफ़ी अच्छे पोर्ट्रेट निकाल देते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे जो दूसरी चीज़ लगी है वो मुझे ये लगी कि यूट्यूब में एक दिक्कत है यार, जब आप लोग 4K या फिर 1440p पे वीडियो देख रहे होते हो तो वहाँ पे खुद ही खुद ये फ़ोन जो है 1080 या फिर 480p पे लेकर आ जाता है, पता नहीं ये कौन सा इशू है, मेरे फ़ोन के साथ ही है या सबके साथ है, वो ज़रूर से मुझे बता देना। तो यही 2-3 कॉन्स लगे मुझे इस फ़ोन के, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। अब आते हैं कंक्लूजन पे और बात करते हैं कि आप लोगों को मोटो G64 5G स्मार्टफोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखो यार मेरे हिसाब से 15,000 रुपये में अगर आप लोग एक परफॉर्मेंस वाला फ़ोन लेना चाहते हो और ठीक ठाक कैमरा यूज़ कर सकते हो तो डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हो, और बाकी यहाँ पे बैटरी वगैरह काफ़ी अच्छी है नो डाउट, इसके अलावा डिस्प्ले क्वालिटी भी बहुत अच्छी दी गई है, तो डेफिनेटली मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। बट इस प्राइस रेंज में ना 15,000 रुपये के अंदर और भी बहुत सारे फ़ोन आते हैं, मैं रिकमेंड करूँगा पहले उनका कंपेरिजन देख लो उसके बाद ही इस फोन को पिक करना। इसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना, और यहाँ पे अगर आप लोग ये फोन लेना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, स्टोर का एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके चेकआउट करना मत भूलना। बाकी अब बात करते हैं टाइप सी केबल या फिर अडेप्टर एप्पल का हो चाहे एंड्रॉइड का, वो कैसे ले सकते हो, के लिए आप लोगों को सेल स्मार्ट कैफे का इंस्टाग्राम जाके फॉलो करना पड़ेगा और इस वीडियो को 10 लोगों को शेयर करना पड़ेगा, तो आप लोग 1 रुपए में ले सकते हो एप्पल का अडेप्टर या फिर टाइप सी चार्जिंग केबल। करो देर किस बात की है, जाओ और 10 लोगों को शेयर करो इस वीडियो को, और इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनके इंस्टाग्राम को जरूर से फॉलो कर लेना। तो बस यही आज की वीडियो करता हूं, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो करके जाना यार। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।